भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री को ये बात समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। वो प्रधानमंत्री को समझ में आया नहीं आया, मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया। तीसरी बात यह है, भारत के संविधान में प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसको स्कॉलर्स मोजाइक बोले, एक मोजाइक है ये। तीसरी बात यह है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में आई डू बोलते, अब आप क्या इसको सबको मिला लेंगे क्या? चौथी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्होंने क्या बोलते, वन नेशन वन इलेक्शन वन टैक्स वन लॉ वन कल्चर वन रिलीजन वन आइडेंटिटी और अब तो वन फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए बोलो आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपका ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर वन, कर सकते क्या आप? थर्डली फोर्थली सेक्शन 21A स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, इट प्रोटेक्ट्स मैरिजेस एंड इनहेरिटेंस बिटवीन हिंदूज बट द सेम इज नॉट एक्सटेंडेड टू मुस्लिम्स, व्हाई? आप यहां पर हिंदू भाइयों को कल्चर बोलेंगे, यहां पर इस्लामिक प्रैक्टिसेस की यूनिफॉर्मिटी ना पे निकालना चाहेंगे आप? बीजेपी और प्रधानमंत्री ये बात को भी भूल गए, सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में आदिवासियों को एग्जम्पशन देता, कर सकते क्या प्रधानमंत्री उसको? मोदी साहब करेंगे अभी? आदिवासी सरना कोर्ट क्यों पूछ रहे भाई? आर्टिकल 371 है भारत के संविधान में, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, नागालैंड मिजोरम निकाल सकते, एक मणिपुर को नहीं जा सक रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां पे 300 चर्चेस को जला दिए गए, और आप 371 निकालेंगे क्या? बताओ हमारे को, आप बोलिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इन बातों पे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं और फिर आप
गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में मुसलमान अपना घर नहीं बेच सकता, हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता। आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अभी भी आपकी सरकार है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में वहां पर एग्रीकल्चर लैंड नॉन हिमाचली नहीं ले सकता। चलो प्रधानमंत्री आप ले लो अपनी वहां एग्रीकल्चर लैंड लेके दिखाओ। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो, चलो पंजाब में बोलिए प्रधानमंत्री, आप जाकर बोलिए पंजाब में, सिखों से बोलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, पंजाब के लोगों को बोलिए, देखिए क्या रिएक्शन होता है।